आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थान माउंट आबू की स्पेशल मलाई रबड़ी की रेसिपी। तो आइए देखते हैं कि मलाई रबड़ी कैसे बनाई जाती है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरतें पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें एक पैन में थोड़ा दूध लेना है। टोटल मैंने 2 लीटर दूध का यूज़ किया है। पहले हम करीब 700 ml दूध का यूज़ करेंगे और दूध में जब इसी तरह उबाल आने लगे तब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 700 ml दूध हम इसमें ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद अब हम मिलाएंगे इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ करीब 1/2 टीस्पून जितना इलायची पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हमें गैस की फ्लेम मीडियम कर लेनी है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें दूध को बीच बीच में हिलाते हुए अच्छी तरह से उबाल लेना है। दूध अब अच्छी तरह से उबलने लगा है तो साइड्स की क्रीम है वो भी हम इसमें मिला लेंगे और बाकी जो हमारे पास दूध बचा है वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे ही दूध अच्छी तरह से उबलने लगेगा ऊपर क्रीम बनती जाएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई रेसिपी आप तक पहुंच पाए। आप देख सकते हो कि रबड़ी बहुत ही अच्छी तरह से उबल रही है, बहुत सारी मलाई इसमें बनती ही जा रही है और अच्छी तरह से थिकनेस भी हो गई है। तो अब समय हो गया है कि हम इसमें चीनी मिला लें। तो मैं यहाँ करीब 125 ग्राम शुगर मिला रही हूँ। आपके टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। और अब शुगर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हमें रबड़ी को कांस्टेंट हिलाना है ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और हमारी रबड़ी भी नीचे चिपके नहीं। चीनी जब अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए इसके बाद हमें गैस की फ्लेम बंद कर लेनी है और रबड़ी को करीब आधा घंटे के लिए ठंडी कर लेंगे। और आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो कि रबड़ी थोड़ी और थिक हो गई है। मलाई रबड़ी बनाने के लिए हमें यही कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो अब मैं रबड़ी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी और करीब 2 घंटे के लिए हमें ये बाउल को फ्रिज में रखना होगा ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और इसकी थिकनेस भी थोड़ी बढ़ जाए। और 2 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि रबड़ी की थिकनेस है वो बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। मलाई रबड़ी बनाने के लिए हमें यही थिकनेस की ज़रूरत है। मलाई रबड़ी को आप ठंडी या गर्म कैसे भी सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही मलाईदार रबड़ी बनी है। अगर आपको ये रबड़ी थोड़ी पतली चाहिए तो ये समय पे आप थोड़ा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हो। और अब हमारी मलाई रबड़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठंडी ठंडी मलाई रबड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है।